नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ये जो बहनें और माता जी सामने दिख रही है, ये हमारी माँ ताप्ती सेवा समिति से लगभग 15 दिनों से ये कंटिन्यूसली में जुड़ी हुई हैं। और इनके विषय में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये दो जो माता जी हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, जो मेरे वीडियो में आपने देखी होगी प्रत्येक दिन के, इनका सिर्फ एक ही काम मैंने देखा है कि रोज़ सुबह 9 बजे आना और शाम को 8-8:30 बजे तक घर जाना। इन्होंने एक भी दिन कथा के लिए निवेदन नहीं किया, एक भी दिन कथा के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, और ना एक भी दिन कथा के पंडाल की तरफ ये गई है। तो मैं इनके इस त्याग के लिए पर्सनली और मेरे फटाका संघ की तरफ से मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि आपने जो त्याग दिखाया है वाकई में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ जो थी, बहुत सारी महिलाओं ने जो टैग्स लिए थे, जो एंट्री पासेस लिए थे, वो सिर्फ अपने कुछ महिलाओं ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिए, लेकिन इन दोनों माता बहनों के पास कोई भी टैग नहीं देखा मैंने 7 दिनों में। ना कभी इनसे कभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर मेरे को मिली कि इनको कभी वहाँ कथा में जाना है। तो इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने पूरा सुबह से लेकर साय श्रम शाम तक किया। माता जी और दीदी से मैं उनका नाम जानना चाहूँगा और उनका इस कार्य के प्रति क्या भाव और क्या लगन था उसको जानना चाहूँगा। बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? आर्य शर्मा। कहाँ रहती है माता जी आप? और दीदी आपका नाम क्या है? निधि शर्मा। तो आपने ये जो भाव दिखाया है, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था या क्या लगन थी या क्या ध्येय था? भोले जी की सेवा बस। बस कोई VIP टाइप से कुछ नहीं था, कहीं बैठने का नहीं। नहीं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे डांट क्यों रही हैं आप? मैं तो आपके बाल लग सही हूँ। VIP आया था क्या? नहीं, VIP तो कभी कहीं नहीं आता है, और ना महाराज जी भी नहीं आए VIP के पास। कल वो पूरी बेलने वालों से मिलने आए थे महाराज जी, पूरा शहर घूम रहा था उनके पीछे और महाराज आए थे उनके पीछे। तो ठीक है, महाराज आ गए तो बस। चलो इसी बात पे बोलो, एक नमन गौरा पार्वती।